जय भीम। मैं अर्जुन सिमोलिया। दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर वीएसपी सुप्रियो मायावती के द्वारा लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बहन जी की तरफ से जो उम्मीदवार उपचुनाव में उतारे हैं उनको, उनके नामों को देखकर भाजपा और सपा खेमे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा कर दी है। बीएसपी ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो इस बार के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा कर रख देंगे। दरअसल आपको पता होगा कि बहन जी कभी भी उपचुनाव में बहुत कम हिस्सा लेती हैं, लेकिन इस बार आकाश आनंद जो है उपचुनाव का मोर्चा संभाले हुए हैं और बहन जी ने आकाश आनंद को यूपी में होने जा रहे 9 सीटों पर उपचुनाव की कमान सौंप दी है। हम आपको बताएंगे कि बहन जी ने किस सीट पर किस प्रत्याशी को टिकट दिया है। जितने भी प्रत्याशी अब तक बहन जी के द्वारा घोषित किए गए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने जिन नामों पर मोहर लगा दी है उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी अब अपनी पार्टी के पैर जमाने के लिए सभी राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि अब 2 राज्यों सहित उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी आज़ाद समाज पार्टी की पैनी नज़र है। आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा झारखंड में भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कल हमने उसकी लिस्ट भी आपको बताई थी। इसके अलावा कल 21 अक्टूबर है और महाराष्ट्र में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद का कार्यक्रम भी है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि बहन जी के द्वारा किन प्रत्याशियों को किस विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रयागराज जिले की जो फूलपुर विधानसभा सीट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले शिवबरण पासी को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन अब एन वक्त पर नामांकन से ठीक पहले बहन जी ने निर्णय को बदला है और बहुजन समाज पार्टी ने फूलपुर विधानसभा सीट से शिवबरण पासी का टिकट काटकर अब कल ही जितेंद्र सिंह को चुनावी रण में उतारा है। इसके अलावा अगर हम अगली विधानसभा सीट करहल जो मैनपुरी जिले के अंतर्गत आती है, जहां से अखिलेश यादव 2022 में विधायक बने थे और अब उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है, तो यहां से मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से रमेश साक को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की, तो यहां पर शाह नज़र को बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी के द्वारा टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। यहां पर आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जाहिद हसन, वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मीरापुर विधानसभा सीट में मानी जा रही है। वैसे तो यह जाटलैंड इलाका है, यहाँ पर जाटों की अच्छी खासी संख्या है और मुस्लिम समाज के का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पर वोट प्रतिशत है। इसी को देखते हुए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने ही मुस्लिम वर्ग से आने वाले नेताओं को टिकट दिया है। वहीं मिर्ज़ापुर की जो मझबा विधानसभा सीट है, वहां पर बीएसपी के द्वारा ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए दीपक तिवारी उर्फ दीपू को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो मुरादाबाद जिले की कुंदर की विधानसभा सीट है, यह सीट काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट सीट है और यह हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम समाज का वोट प्रतिशत है वो लगभग 65% मुस्लिम समाज का वोट है। 2 लाख से भी ज़्यादा वोट यहाँ पर मुस्लिम समाज का है और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाजी चांद बाबू, हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि हाजी चांद बाबू काफ़ी ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। यहाँ पर अब बहन जी ने बड़ा दांव खेला है और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को चित करने के लिए यहाँ पर वीएसपी ने
मुस्लिम वर्ग से ही आने वाले रिफाकत खान को जो है टिकट दिया है। अब यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला चार पार्टियों के बीच रहेगा, समाजवादी पार्टी, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी। तो ये लगभग आपको बता दें कि 6 सीटों पर अब तक बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आजाद समाज पार्टी भी लगातार मेहनत कर रही है, उन्होंने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बस मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट को छोड़कर। लगभग 8 प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी ने उपचुनाव में घोषित कर दिए हैं और चंद्रशेखर आजाद का 24 अक्टूबर को मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट में हाजी चांद बाबू के समर्थन में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, वो काफ़ी ज़्यादा गठबंधन में दरार पड़ी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव के द्वारा कांग्रेस पार्टी को इन 9 सीटों में से मात्र 2 सीटें ही दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी 2 सीट छोड़ने के लिए राजी हुई है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी खुश नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन में इस उपचुनाव में फूट पड़ चुकी है और भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं किसी भी सीट पर। भाजपा एक बड़ी रणनीति के तहत जातीय समीकरण को देखते हुए बताया जा रहा है कि यहाँ पर सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी। वहीं अखिलेश यादव झूठे पीडीए का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इनके हक अधिकारों की बात आती है तो अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी जनता जो इन विधानसभा सीटों से आती है, अगर इस बार अच्छा फैसला लेती है तो बहुजन समाज अच्छी खासी सीटें जीत सकती है, चाहे वो बीएसपी पार्टी हो चाहे आजाद समाज पार्टी हो, इनकी एक दो सीटें निकल भी सकती हैं। फिलहाल इस सभी खबर पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, उपचुनाव को लेकर आपका क्या अनुमान है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज से जुड़ी हर एक खबर हम इसी तरह निष्पक्ष होकर आप तक पहुँचाते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खबर पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स यानी ट्विटर पर अर्जुन नैतिक टीवी नाम से अकाउंट है, जहाँ पर हम सबसे पहले पोस्ट करते हैं, कोई भी खबर हो, कोई भी अपडेट हो वहाँ पर देते रहते हैं, तो एक्स पर ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी अच्छे अच्छे पोस्ट करते रहते हैं, वहाँ पर भी फॉलो करें, सेम अर्जुन नैतिक टीवी नाम से अकाउंट है। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य खबर में साथियों, धन्यवाद।